जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 16, 17, 18, 19, 20 पर चर्चा करेंगे। किम कर्मा की मकर मेति काव्योप्यत्र तत्ते कर्मा परवाक्ष्यामि मोहिता यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। श्री कृष्ण कहते हैं क्या कर्म है और क्या है कर्म, इस बात से बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रमित होते हैं। अब मैं तुम्हें कर्म के विषय में बताऊँगा, जिसे जानने के बाद तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। अर्थात सही कर्म और अकर्म को समझना आसान नहीं है, यहाँ तक कि ज्ञानी भी इस विषय में भ्रमित हो जाते हैं। कर्म का अर्थ है जो कार्य हम अपने कर्तव्य के अनुसार करते हुए कर्म कहलाता है, यह हमारी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। अकर्म का अर्थ है यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें हम कुछ न करें, बल्कि इसका अर्थ है ऐसा कर्म जिसमें फल की इच्छा न हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्म और अकर्म के बीच यह अंतर बहुत ही छोटा सा है, जिसे समझना मुश्किल है। कर्म का सही ज्ञान और समझ ही इंसान को मुक्ति की ओर ले जा सकता है। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करते हैं और उनके फल की इच्छा से मुक्त हो जाते हैं, तब हम वास्तविक रूप में अकर्म की स्थिति में पहुँचते हैं। इस श्लोक की सीख यह है कि सही कर्म का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। कर्मण्यो है आपि बोधाय वयम्, बोधाय वयम् च विक्रमणहर अकर्मश्च बोधाय वयम् गहना कर्मणो गति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म की जटिलता को समझा रहे हैं। कर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति या स्वरूप बहुत मुश्किल है, गहरी है। यहाँ कर्म का अर्थ है जो कर्म धर्म और कर्तव्य के अनुसार है, विकर्म जो अधर्म के मार्ग पर हो, जो अनुचित हो, पापपूर्ण हो। अकर्म जिस कर्म में फल की इच्छा न हो, अर्थात कर्म के परिणाम को समझना आसान नहीं है। जीवन में हर कार्य के परिणाम होते हैं और उन परिणामों को समझना, उनके पीछे के उद्देश्य और असर को जानना बहुत ही कठिन है। इसलिए कर्म का सही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इस श्लोक की सीख, जीवन में केवल कर्म करना ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह भी जानना जरूरी है कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा गलत। कर्मण्य कर्मा यह पश्येद कर्माणि च कर्मा यह स बुद्धिमान मनुष्य स युक्त है कुछ न कर्माकृत। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और सभी प्रकार के कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म को देखना, इसका अर्थ है जो व्यक्ति सभी कार्य करते हुए भी उसके फल की इच्छा से मुक्त रहता है, उसे अकर्म माना जाता है, क्योंकि वह कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त होता है। अकर्म में कर्म देखना, जो व्यक्ति कुछ न करते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करता, वह अकर्म में रहते हुए भी पाप का भागी बनता है। यह अकर्म अपने आप में एक कर्म बन जाता है, क्योंकि वह अपने धर्म और कर्तव्य से दूर हो जाता है। अर्थात कर्म और अकर्म का यह रहस्य समझना ही सच्ची बुद्धिमानी है, वही सच्चा कर्मयोगी है। यस्य सर्वेस्मार्मभा काम संकल्पा वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्धा कर्मण तमाहु पंडितम बुधा। जिसके सभी कार्य कामना और संकल्प से रहित होते हैं, जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि से भस्म हो चुके हैं, बुद्धिमान लोग उसे पंडित कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने सभी कार्यों को स्वार्थ इच्छाओं और फल की आकांक्षाओं से मुक्त होकर करता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर चुका होता है। उसके कर्म ज्ञान की अग्नि में जलकर शुद्ध हो जाते हैं और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात मनुष्य कर्म करते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रहता है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नीत्वा तृप्तो निराश्रय कर्मण्य अभिपावतोऽपि नैव किंचित करोति स। जिसने कर्म के फलों की इच्छा छोड़ दी है, जो सदा तृप्त है और जिसका कोई आश्रय नहीं है, वह व्यक्ति कर्मों में पूरी तरह लीन रहते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का महत्व बता रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों के फल की इच्छा छोड़कर संसार में रहते हुए कर्म करता है, तो वह कर्मों से बंधा नहीं होता, उसे किसी प्रकार का पाप या पुण्य नहीं लगता, क्योंकि उसका कर्म ज्ञान और संतुष्टि के आधार पर होता है, न कि लालच या इच्छा के आधार पर। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।